करनाल में जहां पुलिस नाकों पर तैनात होकर लगातार लोगों के चालान काट रही है, वहीं सीसीटीवी कंट्रोल रूम के जरिए भी लगातार चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। दरअसल करनाल के अंदर सीसीटीवी कंट्रोल रूम से भी पूरे शहर की निगरानी रखी जा रही है। करनाल शहर में 129 सीसीटीवी कैमरे अलग अलग 31 जगहों पर लगे हुए हैं, जिनकी मॉनिटरिंग करनाल के सीसीटीवी कंट्रोल रूम में होती है। यहां से पुलिसकर्मी देखते हैं कि किस गली से या इलाके में भीड़ है और कहां पर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। वहां पर तुरंत पुलिस वैन को भेजा जाता है और उन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। वहीं 100 नंबर पर आने वाली कॉल का भी जवाब यहीं से दिया जाता है। आपको बता दें कि पुलिस लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले कई लोगों को अब तक हिरासत में ले चुकी है। वहीं कई लोगों के वाहन भी जब्त किए जा चुके हैं। पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिसकर्मी कोरोना योद्धा बनकर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। 12-12 घंटे की ड्यूटी देते हुए इन पुलिसकर्मियों को बड़ी बारीकी से मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, ताकि कोई भी व्यक्ति जो कानून के नियमों की उल्लंघना कर रहा है वो छूट ना जाए। बहरहाल 3 मई तक लॉकडाउन है और लोगों से करनाल पुलिस यही अपील करती है कि इसका अच्छे तरीके से पालन करें। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि जो कॉरपोरेशन एरिया है डिस्ट्रिक्ट करनाल का, पूरे कॉरपोरेशन एरिया में 150 कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं और 50 लोकेशंस इससे डिस्ट्रिक्ट की कवर हो रही हैं, जिससे कि कंट्रोल रूम के माध्यम से हम पूरे शहर की जो गतिविधि है, जो व्हीकल्स की मूवमेंट है या जो व्यक्तियों की मूवमेंट है, यहाँ बैठ के मॉनिटर की जा सकती है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, अब तक जो लॉकडाउन की वायोलेशन से संबंध में 200 के आसपास मुकदमे दर्ज किए गए हैं और जिसमें करीब 300 के आसपास व्यक्ति गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। इसके अलावा 3,500 के आसपास चलान MV एक्ट के तहत किए जा चुके हैं, जिसमें 1,200 के आसपास गाड़ियों को इम्पाउंड किया जा चुका है और करीब 2.5 करोड़ के आसपास फाइन इम्पोज MV एक्ट के तहत किया जा चुका है। देखिए, कंट्रोल रूम में जो CCTV मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसके लिए इंस्पेक्टर गीता इसकी इंचार्ज है, उसकी पूरी टीम है उसके साथ, जिसे शिफ्ट में ड्यूटी पे लगाया गया है और ये 24 घंटे शिफ्ट में काम करते हैं और जितनी भी मूवमेंट कैमरे में आ रही है उस पर नज़र रखते हैं। यदि किसी पर्टिकुलर एरिया में उनको नज़र आता है कि गाड़ियों की मूवमेंट बढ़ गई है या किसी व्यक्तियों की मूवमेंट बढ़ गई है, तो तुरंत कंसर्न्ड थाने में और जो पेट्रोलिंग पार्टी उस एरिया की है उसे सूचित किया जाता है। देखिए, ड्रोन्स का काफ़ी फायदा हो रहा है। एक तो जो लार्जर पिक्चर कम मैन फोर्स के साथ, यानी कम मैन पावर यूज़ करते हुए ज़्यादा अच्छी तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है। अभी आपने देखने में आया है कि ड्रोन के माध्यम से ये गैम्बलिंग एक्ट का भी केस दर्ज हुआ है, जिसमें 13 व्यक्ति गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है हरियाणा पुलिस द्वारा, उसे यूज़ किया जा रहा है। देखिए, पुलिस हेडक्वार्टर से सख्त दिशा निर्देश हैं कि जितने हमारे मुलाजिम, क्योंकि लंबी ड्यूटी है, काफ़ी दिन से पूरी मोटिवेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो इनका पूरा ध्यान रखा जाए, इनके खाने की व्यवस्था ढंग से और टाइमली की जाए और अच्छा हाइजीनिक खाना इन्हें प्रोवाइड किया जाए। इसके साथ साथ जो मास्क हैं वो रेगुलरली मास्क की सप्लाई रहे और सैनिटाइज़र की सप्लाई रहे, ताकि वो हाइजीनिक कंडीशन में और स्वस्थ रह के काम कर सकें। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.